मणिपुर सरकार की ओर से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के मेंबर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिटर्स गिल्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट भारतीय सेना की अपील पर बनाई गई थी, इसीलिए इसके लिए एडिटर्स गिल्ड पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी एफआईआर को रद्द नहीं कर रहा है, बल्कि मामले को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की संभावना तलाश रहा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। एडिटर्स गिल्ड ने 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से दंडात्मक कार्रवाई की सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। मामले में पिछली सुनवाई 6 सितंबर को हुई थी। तब कोर्ट ने मणिपुर पुलिस को निर्देश दिए थे 11 सितंबर तक एडिटर्स गिल्ड के मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। सीजीआई मामले की सुनवाई शुरू होने पर ईजीआई के मेंबर्स को 4 सप्ताह की सुरक्षा देने का विचार कर रहे थे, लेकिन बेंच के साथियों से बात करने के बाद उन्होंने मामले को 11 सितंबर को सुनने के लिए लिस्ट कर लिया है। 4 सितंबर को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने बताया कि हमने ईजीआई के प्रेसिडेंट सीमा मुस्तफा, सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर पर एफआईआर कराई है। ईजीआई अपनी रिपोर्ट्स के जरिए झूठ फैला रहे हैं और गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, इससे राज्य में हिंसा और तनाव बढ़ सकता है। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि ईजीआई के इन सदस्यों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राज्य के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करनी चाहिए थी, ना कि गिनती के लोगों से मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए था। दरअसल कुछ समय पहले ईजीआई के कुछ सदस्यों ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा किया था। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने वहां हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। इसके बाद एडिटर्स गिल्ड ने 2 सितंबर को अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया था कि मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा की एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग की गई। साथ ही उसने राज्य सरकार और खुद सीएम बीरेन सिंह पर हिंसा रोकने में पक्षपात करने का आरोप लगाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।